मुझे याद है कि 3.5 साल पहले जब मैं अमेठी आई तो हमारी पार्टी के हमारे संगठन के कई वरिष्ठ नेताओं ने मेरा दिल खोलकर यहां स्वागत किया। आज वो इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसे तेजवान दादा जन्ना प्रसाद जी, मेरा उत्साहवर्धन करते हुए भाई राजेश मसाला जी, और पार्टी और संगठन से जुड़ा एक एक व्यक्ति इस आशा के साथ, इस अनुरोध के साथ मेरे पास आया कि दीदी चुनाव लड़ने को मात्र 18-20 दिन बचा है, लेकिन इस 18-20 दिन में हम संघर्ष में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मात्र निवेदन इतना है आपसे कि यहां का संगठन, यहां का कार्यकर्ता 40 वर्ष से संघर्ष कर रहा है। ये संघर्ष चुनाव के बाद भी तब तक चलता रहेगा तब तक अमेठी के कोने कोने में विकास नहीं पहुंचेगा। और संगठन ने एक ही अनुरोध किया कि ये साथ जो आज पार्टी की वजह से जुड़ा है हमारा, ये साथ छूटे नहीं। और मैं आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नमन करते हुए ये अपने मन के उद्गार व्यक्त करना चाहती हूं कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि जो मात्र भारतीय जनता पार्टी की एक प्रतिनिधि बनकर आई, आज अमेठी की दीदी बन गई है। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। दल बहादुर जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि बहन बेटियां आती हैं पहली बार तो उन्हें खाली हाथ नहीं भेजा जाता, लेकिन जब रिश्ता बहन का जोड़ा है तो मन में कोई स्वार्थ नहीं होता। ये भी एक सत्य है रिश्तों का। अपने नेतृत्व के साथ 3.5 साल पहले एक ऐसे गांव के दर्शन मैंने किए जिस गांव ने मुंह पर हमसे कह दिया था अध्यक्ष जी कि हम चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। जब पिपरी गांव के निवासियों से हमने पूछा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी देन है ये कि 5 वर्ष में एक बार कम से कम आप अपने मन का एक प्रतिनिधि चुनते हैं जो देश की संसद में आपकी आवाज उठाता है, आपके समस्याओं का समाधान दिलवाता है, तो उस गांव के लोगों ने मुझसे कहा कि हम बार बार सांसद के पास जाते रहे। नागरिक तो छोड़िए, सांसद के अपने राजनीतिक दल के नेता उन्हें मिल नहीं सकते, हम गुहार लगाते रहे। इसलिए आज हमने निर्णय किया है कि 2014 के लोकसभा चुनाव का हम बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि हमारे गांव की भूमि कटकर नदी में बहती जा रही है, घर उजड़ रहे हैं, खेत उजड़ रहे हैं, लेकिन सांसद महोदय के पास हमारे लिए वक्त नहीं। मैंने पिपरी गांव के निवासियों से वादा किया, मैंने कहा भले ही राहुल जी के पास आपके लिए वक्त ना हो, लेकिन हम आपको अपना समय देंगे। तो गांव के मुखिया ने पलट कर बोला, बिटिया विश्वास बहुत कर लिया नेताओं पर, आशीर्वाद दे देंगे लेकिन वोट तो बिल्कुल नहीं करेंगे। आश्वस्त हमने किया कि आप निश्चिंत रहिए, एक बार फिर लोकतंत्र में आपका विश्वास पुनर्स्थापित करने के लिए हम प्रयास करेंगे, चुनाव के बाद आपके मध्य में लौटेंगे। और चुनाव के बाद हम उनके मध्य में लौटे। केंद्र की सरकार से पिपरी गांव के प्रतिनिधि मिले और उन्होंने मात्र एक ही निवेदन किया कि हमारी गांव की जमीन कट कट के बह रही है नदी में, मात्र इतना ही मांगते हैं कि कटान की समस्या का समाधान दीजिए। तब अखिलेश जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, हमने निवेदन केंद्र से प्रदेश की सरकार को भेजा और प्रदेश की सरकार ने रत्ती भर वक्त नहीं दिया हमें। हमने सोचा अगर राहुल जी अगर ये निवेदन देते तो शायद अखिलेश जी सुन लेते, लेकिन शायद अमेठी का नाम सुनते ही सांप सूंघ जाता है उन लोगों को जो आज देश भर में घूमकर विकास पर भाषण देते हैं लेकिन अपने ही लोकसभा क्षेत्र में विकास नहीं कर पाते।
ये तो कृपा है प्रभु की और क्षमता और शक्ति है लोकतंत्र की कि विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक ऐतिहासिक जीत प्राप्त हुई और मुख्यमंत्री के पद पर योगी जी विद्यमान हुए। हमने जाकर मात्र एक बार आग्रह किया, बलदेव जी से मिले, योगी जी से मिले, मात्र एक बार कहा कि ये कटान की समस्या 12 गांव 36 गांव 50,000 लोगों को प्रभावित करती है, एक गुहार लेकर घूम रहे थे आज तक, इस एक गुहार को सुन लीजिए। और एक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे नेतृत्व ने हमें पीठ नहीं दिखाई, जो 7 साल में ना हो सका अमेठी में वो 6 माह में योगी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अमेठी में कर दिखाया। और आज पिपरी गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि कटान की समस्या का समाधान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने 15 करोड़ रुपया मुहैया कराया है, जिसमें से 1 करोड़ की पहली किस्त दे चुकी है उत्तर प्रदेश की सरकार। मैं जानती हूं आप सब योगी जी और अमित भाई का भाषण सुनने के लिए लालाहित है, लेकिन मैं अब उनको संबोधित करना चाहती हूं जिन्होंने अमेठी को आज तक मात्र वोट की दृष्टिकोण से देखा है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे जी ने अभी अभी अनोखी अमेठी की बात की। अनोखी अमेठी का एक सच ये भी है पांडे जी कि यहां 2011 में कलेक्ट्रेट की घोषणा की गई, लेकिन आज तक कलेक्टर के लिए ऑफिस या कार्यालय नहीं बनाया गया। अमेठी की एक अनोखी बात यह भी है कि पांडे जी यहां पर ऊंचाहार से अमेठी की एक रेल लाइन का वादा नेहरू जी ने किया, इंदिरा जी ने किया, राजीव जी ने किया, 13 में राहुल जी ने कहीं जाकर एक छोटा सा फीता भी काट दिया, लेकिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो पूरा का पूरा सर्वे का काम हुआ और 60 गांव जो प्रभावित हो रहे थे उनके लिए 190 करोड़ की राशि का आवंटन किया गया। आज अगर राहुल जी सुन रहे हैं हमारी बात तो उनसे कहना चाहूंगी कि आप जाकर देश और दुनिया में विकास की बातें करते हैं, विशेष रूप से गुजरात जाते हैं तो विकास का उल्लास करते हैं, उपहास करते हैं, लेकिन कम से कम देश को इतना तो बतला दीजिए कि आज अगर अमेठी में टीबी का यूनिट पहली बार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लग रहा है तो वो तब लग रहा है जब भाजपा की सरकार है, तब नहीं संभव हुआ जब कांग्रेस की सरकार। राहुल जी से कहना चाहती हूं कि कलेक्टर का कार्यालय तो छोड़िए, चीफ मेडिकल ऑफिसर का कार्यालय, जिला का विद्यालय निरीक्षक जो है उसका कार्यालय, वो अमेठी के इतिहास में पहली बार तब बन रहा है जब केंद्र में और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज इस मंच पर कई लाभार्थी आए, कुछ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, स्वच्छ भारत की योजना के तहत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, योगी जी ने अपने हाथों से कुछ भेंटे कुछ सौगाते दी हैं, लेकिन आज का जो सभा स्थल है, अनोखी अमेठी का एक इतिहास का पन्ना इस सभा स्थल को भी समर्पित है। इस सभा स्थल का नाम है सम्राट साइकिल का सभा स्थल। ये वो इलाका है, ये वो जमीन है जो अमेठी के किसानों ने फैक्ट्री लगवाने के लिए प्रदेश की सरकार
स्थापित की थी। उन्हें आश्वस्त किया गया था कि इस जमीन पर सिर्फ फैक्ट्री चलेगी, अमेठी के लोगों को रोजगार मिलेगा। साइकिल तो पहले से ही पंक्चर हो गई थी योगी जी, लेकिन यहां पर साइकिल की फैक्ट्री जब बंद हुई तो शायद देश में पहली बार अचंभा यह हुआ सबको कि एक राजीव गांधी फाउंडेशन है जिसके मुखिया स्वयं राहुल जी हैं, उस फाउंडेशन ने जिसका काम कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी करना नहीं है, उस फाउंडेशन ने इस जमीन को ले लिया। आज तक इस जमीन का ऑर्डर निकला हुआ है कि ये जमीन उत्तर प्रदेश सरकार को वापस की जाए, राहुल जी का कब्जा किसानों की जमीन से हटाया जाए। लेकिन देखिए योगी जी, अमित भाई वहां पर इससे प्रभावित किसान और उनके परिवार हैं जो कह रहे हैं आज तक किसानों को राहत का भाषण देने वाले राहुल गांधी ने किसानों की खुद जब्त की हुई जमीन नहीं लौटाई है। ये अनोखी अमेठी का इतिहास है कि अमेठी में पहली बार जब राज्य मंत्री कृषि संजीव बालियान जी आए थे तो अमेठी के किसानों से मिलने के बाद उनसे पूछा गया कि आपको क्या चाहिए भारत सरकार से। उन्होंने कहा और कुछ ना दीजिए साहब, बस गौरीगंज में जो ट्रेन आती है उससे खाद की रैक उतरवा दीजिए। आज नजारा देखिए आप सब कि अमेठी में खाद की पहली रेलवे के माध्यम से रैक उतारने वाली पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी है और पहली सॉइल टेस्टिंग लैब बनाने वाली पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए आज ये कार्यक्रम शायद राहुल जी को नहीं सुहाता होगा। फीता काटे थे एक रिले ट्रांसमीटर का और पूछ रहे हैं एफएम स्टेशन काहे बना रहे हैं अमेठी में। अरे भैया, जो रिले ट्रांसमिशन और एफएम स्टेशन के बीच का फर्क ना जानता हो वो संसद विकास के ऊपर ज्ञान दे, ये कितना शोभा देता है। ये कांग्रेस के लिए चिंतन और चिंता का विषय है। मैं मात्र आज इतना ही कहूंगी कि मैं अनुग्रहित हूं विधानसभा के चुनाव में जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पधारे थे तो उन्होंने मुझसे मात्र एक प्रश्न पूछा था कि बहन, विधानसभा के चुनाव में अमेठी में इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से लड़ रही है, एक इतिहास हम रचेंगे और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इतिहास रचा, 5 में से 4 सीटों पर कमल का फूल खिला। आज आप दोबारा लौटे हैं अमित भाई, आज अमेठी की जनता आपको आश्वस्त करना चाहती है कि 2019 में आप किसी को भी मौका दें इस भूमि का नेतृत्व करने के लिए, लेकिन अमेठी की जनता, अमेठी के कार्यकर्ता आज आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि लोकसभा के 19 के चुनाव में भी कमल का फूल यहां खिलेगा। 2014 में जब नरेंद्र भाई यहां आए थे तब अमेठी ने ललकार कर कहा था अमेठी है तैयार अब की बार मोदी सरकार, और पुनः 2019 में यही उद्घोष, यही जयघोष इसी मैदान से होगा इस बात का आश्वासन देते हुए एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आगमन पर उनको और माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश के हमारे अध्यक्ष को स्वागत करते हुए अभिनंदन और धन्यवाद देते हुए आप सबके चरणों में प्रणाम करते अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की।